आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं देसी घी के लड्डू या पिनी, आप जो भी बोले। इसके लिए हमें चाहिए बादाम, काजू, किशमिश, मगज, फ्लैक्सीड और ये मैंने लिए है व्हाइट तिल, मोटा आटा। इसके लिए हमें मोटा आटा ही चाहिए होता है, ये मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है, या इसके ऊपर लड्डू का आटा भी लिखा होता है, वही लेंगे। और ये मैंने लिए है देसी खांड, हम शक्कर भी नहीं, देसी खांड यूज करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई रख ली है, गर्म हो गई अच्छे से और मैंने गैस को अब मीडियम पे कर दिया है। सबसे पहले मैं फ्लैक्स सीड को ड्राई रोस्ट करूंगी। मीडियम गैस पे मैंने 40 सेकंड के कर लिया है। अब मैं इसमें मगज डाल रही हूँ, को भी मैं इसी के साथ 30 सेकंड मीडियम गैस पे और ड्राई रोस्ट करूंगी। ये ड्राई रोस्ट हो गया है, इसमें से टक टक की आवाज भी आना स्टार्ट हो गई है। जब ये टक टक की आवाज आने शुरू हो जाए तो समझिए ये रोस्ट हो गया। अब इसी के साथ मैं डाल रही हूँ व्हाइट तिल और मैं गैस को बंद कर रही हूँ क्योंकि तिल को ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं होती है। अब इन सबको मैं एक अलग से प्लेट में निकाल लूंगी। नेक्स्ट मैंने वही कढ़ाई दोबारा रख ली है और इसको बस एक साफ क्लोथ से हम साफ कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी। घी मैंने अभी बिल्कुल थोड़ा सा डाला है और इस घी में सबसे पहले मैं बादाम को रोस्ट करूंगी ताकि ये क्रंची हो जाए और लड्डू में फिर बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं ये। मीडियम गैस पे मैंने 30 सेकंड के लिए इनको भून लिया है। अब इसी के साथ मैं काजू डाल रही हूँ। काजू बहुत जल्दी हो जाते हैं, 15 से 20 सेकंड हम इसे और भूनेंगे। 20 सेकंड बाद ही काजू भी ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसी में मैं अब बस किशमिश डालूंगी और गैस को बंद कर दूंगी और इसको गर्म कढ़ाई में ही इनको एक मिनट रहने दूंगी। अब उसी कढ़ाई में मैंने 250 ग्राम घी और डाला है और तकरीबन मैं आधा किलो इसमें वो आटा डाल रही हूँ। गैस को मैंने मीडियम पे कर दिया है, लो टू मीडियम गैस पे हम इसको साथ साथ में चलाते भी रहेंगे, नहीं तो आटा नीचे लगने का डर रहता है। और इसको हम भूनेंगे अच्छे से। मुझे 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, ये हल्का हल्का कलर चेंज कर रहा है। अभी मैं इसे थोड़ा और भूनूंगी। जब तक आटा भून के तैयार होगा तब तक मैं अपने जितने भी मैंने ये सीड्स को ड्राई रोस्ट किया था मैं इनको मिक्सी में एक बार चला लूंगी, दरदरा पीस लूंगी। इसी तरीके से मैं काजू और बादाम को भी दरदरा पीस लूंगी। आप चाहे तो मामजिस्ते में से कूट भी सकते हैं। इस तरीके का हम कोई खुला बर्तन लेंगे ताकि हम इसको जल्दी से ठंडा भी कर सकें और इसमें सब कुछ अच्छे से मिक्स भी कर सकें। मैंने इसको ऐसे एक परात में निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ देसी खांड और इसको मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं अब इसके मिलाऊंगी सारे सीड्स जो मैंने पीस लिए हैं और इसी के साथ ड्राई फ्रूट मैंने मिक्सी में डाल के इसको हल्का सा दरदरा पीस लिया है। ये देखिए, ये पूरी तरीके से मैंने इनको नहीं पीसा है, बीच में से ऐसे बड़े बड़े पीस रह गए हैं। इन सबको अब अच्छे से मिलाएंगे और इसी स्टेज पे जब अच्छे से मिल जाएगा तो हम मीठा एक बार हल्का सा टेस्ट करेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो हम इसके अंदर और भी मीठा डाल सकते हैं, बाद में तो नहीं डलेगा लेकिन इस स्टेज पे अगर हमें कम है तो हम और डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है जिसमें मैं एकदम से हाथ डाल सकती हूँ, तो मैं इसको हाथ से अब अच्छे से मिलाऊंगी और फिर हम अपने लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। अब बस इसको अपने हाथ में इस तरीके से लेंगे और ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। जितने भी बड़े या छोटे आपको बनाने हैं आप बना सकते हैं। थोड़ा गर्म है लेकिन अगर ये बिल्कुल ठंडा हो गया तो बनाना मुश्किल हो जाएंगे, इसीलिए अभी हमें इसी स्टेज पे बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से हम अपने सारे लड्डू या पिन्नी जो भी आप बोले इसको बना लेंगे।